हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस आना बंद हो चुके थे। फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ मेरे पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से मैंने ये चैनल को जो है थोड़ा होल्ड ऑन किया था, ताकि आने वाले जो समय में आप लोगों को इसके ऊपर कुछ अच्छे और कंटेंट्स दे सकूँ और यहाँ पर इस चैनल को आगे कैसे बढ़ाना है ये चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा एक प्लानिंग कर रहा था, जिसके वजह से मेरे वीडियोस आना बंद हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ से आपको मेरे जो वीडियोस है आपको हर हफ्ता मिलेंगे। ये मंडे रहेंगे या फिर वेनसडे रहेंगे, ये डिपेंड करेगा। ये इसकी अपडेट जो है मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको देता रहूँगा, प्लस आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर और साथ ही में मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर आपको इसकी सभी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप सभी को पता है, भारत के अंदर कोरोना वायरस का एक पैटर्न आ चुका है, कोरोना वायरस आ चुका है भारत के अंदर, और इसी के वजह से भारत के बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रैश डाउन हुआ है। फ्रेंड्स, ये कोरोना वायरस जो है ये ना सिर्फ भारत के अंदर आया है, ये जो आया है ये विश्व के 162 देशों के अंदर इस वायरस का संक्रमण मिल चुका है, जिसके वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर के अंदर ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो है इस वायरस के बारे में कुछ भी नेगेटिविटी ना फैलाए। अगर आप लोगों को कुछ फैलाना है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर के अंदर से गवर्नमेंट्स कुछ गाइडलाइंस इशू कर रही है, आप वो आपके दोस्तों के अंदर दीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिले। उसके बाद में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो WHO के बारे में, WHO के इसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर भी आप लोगों को इसकी अपडेट्स वगैरह मिलती जाएगी कि जहाँ पर से आप अपने आप को और आपके परिवार और दोस्तों के अंदर आप यहाँ पर से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये फैलने से कैसा रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर नेगेटिविटी ना फैलाएं, सिर्फ जो आपको फैलाना है अवेयरनेस फैलाइए। हाँ, कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। एंड उसके बाद में अब आते हैं हम लोग इंडियन मार्केट के पास में। इंडियन मार्केट के अंदर फ्रेंड्स अभी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर यस बैंक के अंदर अभी एक बहुत बड़ा इशू हो गया था कि जहाँ पर से उसके जो एक्स CEO है, ईडी ने उसको पकड़ लिया था। एंड वहाँ पर से एक चीज़ पता ये चली कि यस बैंक ने जो उसके जो मैक्सिमम अमाउंट जो लोन है वो DHFL बैंक को दिया था, जो DHFL जो है ये हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करती है। अब फ्रेंड्स, DHFL के बारे में मेरे को खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा वेरीफाई नहीं होते, कि वो हर एक किसी बंदे को लोन दे देती थी। एंड लोन देने के बाद में वहाँ पर रिकवरी का जो सिस्टम है बहुत टफ है, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो उसको रिकवरी करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, और DHFL को प्रॉब्लम आने की वजह से ये प्रॉब्लम पूरा गया है यस बैंक के ऊपर। और ये यस बैंक का ये रातों रात नहीं हुआ, ये हुआ है पिछले 1-1.5 साल से ये पूरा सिचुएशन जो है ये चल रही थी। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि अचानक से पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, अचानक से ये सब हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ ये सब अचानक नहीं हुआ है, इसका जो सबसे बेसिक जो रूट फैक्टर जिसको हम कहेंगे, ये अभी जो कोरोना जो चल रहा है ये पूरे विश्व के अंदर हेल्थ इमरजेंसी है, और भारत के अंदर भी ये हेल्थ इमरजेंसी है। और साथ ही में अभी रिजर्व बैंक ने कुछ 1 या 2 दिन पहले मीटिंग हुआ था, मीटिंग के अंदर से रिजर्व बैंक ने ये कहा है पूरे बैंकों को कि आप जो है इमरजेंसी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है डर के वजह से मार्केट से अपना अपना जो पैसा जो है लिक्विड फंड्स जो है वो पूरे विड्रॉल करते जा रहे हैं। और इसी के देखते हुए शेयर मार्केट भी जो है अपना इंडियन शेयर मार्केट जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये भी काफ़ी तेज़ी के साथ में गिरावट आई है इसके अंदर। और फ्रेंड्स, अगर आपने एक चीज़ अगर आपने नोट करते हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर से
आप लोग जो है शेयर मार्केट के अंदर आज इन्वेस्ट बनिए, इन्वेस्टर बनिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है कि जो अपॉर्चुनिटी के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करता है और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। तो फ्रेंड आज आपके पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो शेयर्स जो है किसी कंपनी के कल 100 रुपीज़ से, तो आज वो आपको 70-75 रुपीज़ में मिल जा रहे हैं। ये जो है गिरावट ये आपकी प्लस में जाएगी, लेकिन आपकी ये प्लस में तभी जाएंगी जब आपका इसका होल्डिंग करने की आपकी कैपेसिटी है। तो ये कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम एक 6 मंथ्स का आपको होल्डिंग पीरियड देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो अभी इफ़ेक्ट जो आया है, जो शेयर मार्केट जो इतना तेज़ी से गिरा है और विश्व के अंदर जो इतनी एक गिरावट के हम लोग जो देख रहे हैं, ये रोकने के लिए कम से कम हम लोगों को 6 महीने का टाइम लगने वाला है। और हाँ, आज जो 6 महीने तक जो रुकेगा या साल भर तक जो रुकेगा, उसको आगे चल के गारंटीड उसके अंदर आपको 100% रिटर्न मिलेगा। ये आपका 75 का जो अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये आपका कल 85, 90, 100 कुछ भी हो सकता है। ये एक आपको एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर ये आपको डिसीजन लेना है। अब फ्रेंड आप लोग जो है पैनिक मत हुई, कोरोना वायरस को आप, मैं, जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, हम सब लोग मिलके हम लोग इसे रोकेंगे। आप यहाँ से हर हफ्ते मेरा वीडियो आएगा। ये एक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो था कि यस आई एम कमिंग बैक एंड लेट्स सी, मेरा अगला जो वीडियो है ये आपको अगले वेनेसडे के दिन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए और मेरे इस चैनल को फिर से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।